हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिलायंस की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी देखने वाले, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर रिलायंस की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025 के लिए है ये, और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से निकाल के आ चुका है ये। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जॉब डिस्क्रिप्शन, डेट्स एंड डेडलाइंस, एफएक्यूज एंड डिस्कशन सब कुछ दिया है इनके वेबसाइट के ऊपर, और ये वेबसाइट की लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर अभी तक आपने हमारे उस इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया होगा, कर लेना। देखो वहाँ पे मैं रील्स डालता हूँ जो कि शॉर्ट रहती है जॉब के लिए, जो कि इजीली आप अप्लाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हो, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर, सिविल, मेटलर्जिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम इंजीनियरिंग किया है जिन्होंने वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि परस्यू कर रहे हैं फुल टाइम बीटेक फ्रॉम AICTE अप्रोचेस कॉलेज से, वो यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मिनिमम CGPA आपको दे रखा है 60% और 6 CGPA जो कि ज़रूरत है 10th, 12th एंड डिप्लोमा में, और मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए आपको 60 यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर में अप टू लास्ट लेटेस्ट सेमेस्टर तक। उसके साथ में नो एक्टिव बैकलॉग्स एंड नो केसेस ऑफ डिटेंशन, तो यहाँ पे बैकलॉग्स वगैरह नहीं चाहिए और कोई गैप वगैरह नहीं रहने चाहिए आपके एकेडमिक के अंदर। आपको क्या क्या मिल सकता है वो बता रखा है यहाँ पे। तो GET प्रोग्राम प्रोवाइड्स अ लॉन्च पैड फॉर बिल्डिंग इंजीनियर्स बाय गिविंग देम ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जर्नी। तो इनका लर्निंग प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आपको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो आगे की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। एनुअल कंपनसेशन 7.5 LPA फॉर नॉन IITs एंड INR 9 LPA फॉर IITs। यहाँ पर आपको देखो जैसे कि अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी इनके एरियाज के अंदर, वो यहाँ पे बता रखे हैं उन्होंने। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से ये बहुत अच्छी आपको वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं वगैरह वगैरह सब दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे FAQs वगैरह भी आपको दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और अभी मैं पहले तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं 19 सितंबर से, और लास्ट डेट 6 अक्टूबर। स्क्रीनिंग होंगी आपकी अप्लीकेशन की, उसके बाद में यानी कि आपका जो रिज्यूमे आपने दिया है वो RIL की टीम शॉर्टलिस्ट करेंगी उसको। फिर एक असेसमेंट होगा 21 अक्टूबर को यहाँ पर, और एंड होगा 24 अक्टूबर को। तो इसके अंदर देखो क्या क्या रहने वाला है। ऑनलाइन असेसमेंट होगी कॉग्निटिव टेस्ट प्लस सब्जेक्ट मैटर, तो इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा उसके ऊपर है ये। प्लीज़ नोट दैट द असेसमेंट विल बी टेक प्लेस इन स्लॉट्स, स्लॉट्स में होंगी, और एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बताएंगे वो मेल के थ्रू। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट सबमिशन आपका होने वाला है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, उनको अपलोड करना पड़ेगा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का प्रोसेस है। फिर वेरिफिकेशन होगा बाय RIL टीम, RIL टीम टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड एंड वेरीफाई कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड अबाउट देयर इंटरव्यू शेड्यूल। फिर आपका रीजनल इंटरव्यू होगा फिजिकल मोड, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, और वो जैन में हो सकता है। और फिर फाइनल सिलेक्शन का आपको मेल आने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पे ये दिया है आपको। और अगर आप FAQs की बात करें, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रीन्यूमरेशन फॉर GET 2025, तो उसके लिए उन्होंने बताया है ना रीन्यूमरेशन यानी कि पैसा पानी बताया उन्होंने। माई इंजीनियरिंग ब्रांच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, कैन आई अप्लाई फॉर GET प्रोग्राम। ओनली कैंडिडेट परसुइंग फुल टाइम BTech इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर, सिविल, मेटलर्जिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मीटिंग ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द सर्कुलर वेबसाइट कैन अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी। तो आपको देखो ये ब्रांचेस वाले कैंडिडेट्स और BBT कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद एनी विद एन इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी अदर ब्रांच आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो इन्होंने बताया है वही अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, नॉन IT बोलेंगे अपन इसको बेसिकली। आई एम परसुइंग BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आई एम एलिजिबल। तो देखो BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है ना ये वाले ब्रांचेस। ग्रेजुएटेड इन 2024 एलिजिबल है, ओनली कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड इन 2025 एंड मीटिंग ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आई हैव करंट CGPA 5.97, तो ये एलिजिबल रहेंगे क्या? नहीं, 6 CGPA चाहिए यहाँ पे।
इज देर एन एप्लीकेशन फी फॉर अप्लाइंग द जीईटी? तो कोई फी वगैरह नहीं रहती है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। वॉट इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग? तो वो उन्होंने बताया 6 अक्टूबर है, यहाँ पे रात के 12 बजे तक। इज देर एन रिलैक्सेशन वगैरह रहता है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में? नहीं। होम डू आई कॉन्टेक्ट फॉर सपोर्ट? तो उन्होंने मेल वगैरह दे रखा है। अब अप्लाई की यहाँ पे लिंक भी दे रखी है और उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो देखो अनस्टॉप की तरफ से आता है आपके सामने एक पेज खुल के, और कंटिन्यू विद, तो अगर मैं गूगल करूँ तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया और उसके बाद में यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस आ चुका है। आपको मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे उसको वेरीफाई कर लेना है, यानी कि ओटीपी वगैरह आएगा। आधार कार्ड भी ले रहे हैं आपका ये लोग, तो आधार कार्ड को भी वेरीफाई करना है। फिर आपका जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, और कॉलेज स्टूडेंट वगैरह। आप देखो मैंने कोई प्रोसेस अभी की नहीं, तो वो अभी मेरे को आगे भी लेके नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप ये डाल देते हो और फिर नेक्स्ट करते हो, तो आपको धीरे धीरे फॉर्म फिलअप कर लेना है, और जो कि सिंपल है, पर्सनल डिटेल्स वगैरह ही आपको डालनी पड़ेंगी और वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाऊंगा, हेल्पफुल लगाऊंगा। आपके दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।